जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रेन क्लासेस फोरी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम जो है क्लास 12 का चैप्टर है आपका विद्युत चालन, इसके महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो 10वां सवाल बोला गया, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10^28 मीटर प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह अनुबंध वेग आपको 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। तार में धारा घनत्व J की गणना आपको करनी। 10वां सवाल है, जो दिया है वो करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपको दे रखा है तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या दे रखा है? तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 2×10^28 में प्रति, इतना मतलब क्या आयतन, ठीक है। इसके बाद तार में जो है अनुमान वेग, ठीक है, दे रखा है तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, क्या होता है अनुगमन वेग? होता है आपका BD, वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आपको दे रखा है। तो आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है कि तार में धारा घनत्व, ठीक है, तो लिखोगे तार में धारा घनत्व, J बराबर क्या होता है आपका, ठीक है, तो तार में धारा घनत्व क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा? 1×10^-2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। धारा घनत्व J क्या हो जाएगा आपका? J बराबर होता है NeBD, क्या होता है? NeBD, यानी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, BD क्या है? अनुगमन वेग। तो यहाँ से J N कितना है आपका? 2×10^28, और E कितना है? 1.6×10^-19, और BD कितना है? 1×10^-2। तो यहाँ से J बराबर हो जाएगा 16×2 = 32, 3.2, और 10^ क्या हो जाएगा? 28 - 19 और -2, तो यहाँ से J बराबर हो जाएगा 3.2 और 10^-7, ठीक है, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस में होगी आपकी? प्लस के साथ। क्या इसका मात्रक होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 10वां सवाल अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम करेंगे 11वां सवाल, ठीक है। 11वां सवाल इम्पोर्टेंट है और आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपका सवाल पूछा गया है इसलिए आप मिस नहीं कर सकते। बोला एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व J और इलेक्ट्रॉन का अनुभाग वेग, यानी 2010 में आया हुआ है, ठीक है, सवाल आया हुआ है। तो लिखोगे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहीं पे लिखोगे क्या? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? ए, तो वे दे रखा है आपको 1×10^-7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको? इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना दे रखा है? एन, वो दे रखा है आपको 2×10^28, ये दे रखा है। और धारा कितनी दे रखी है आपको? धारा I दे रखी है आपको 3.2 एम्पियर, ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। और आपसे क्या पूछा? तार में धारा घनत्व लिखोगे, एक नंबर तार में धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? I/A, यही होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? J, I कितना है? 3.2, और ये कितना है? 1×10^-7, तो J बराबर हो जाएगा 3.2 और 10^7,
क्या मात्रक होता है इसका? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत क्षेत्र यानी कि जो एरिया है उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का अनुमान वेग, क्या पूछा गया आपसे? इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है? बी डी ए हमसे पूछा गया। हम जानते हैं कि धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। आई बराबर होता है आपका एन ई ए बी डी। हमें अनुगमन वेग निकालना है तो बी डी बराबर हो जाएगा आपका एन बी डी बराबर हो जाएगा आई बटे एन ई ए। ठीक है, तो आप जानते हो ये क्या होता है, आई बटे ए। तो जे बराबर होता है आपका आई बटे ए। तो यहाँ से जो बी डी आ जाएगा वो आ जाएगा आपका जे और एन ई। जे का मान अभी निकाला है कितना है, 3.2 10 की पावर 7। और यहाँ 10 की पावर 7 है, एन कितना है आपका, एन दे रखा है 2 × 10 की पावर 28। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19। 1.6 से ये 2 बार जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो जो बी डी है आपका कितना आ जाएगा। ठीक है, तो बी डी आ जाएगा आपका ये 10 की पावर 7। तो यहाँ से जो बी डी आ जाएगा वो आ जाएगा 10 की पावर -7। ठीक है, ये क्या है, 10 की पावर प्लस में 7 है, 10 की पावर ये ऊपर जाएगी माइनस के, 28 हो जाएगी 10 की पावर 19। 10 की पावर प्लस 7 है और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -28। 10 की पावर -28 और 10 की पावर प्लस में 19। तो बी डी बराबर हो जाएगा 10 बन गुणा लिख लीजिए और क्या, 7 - 28 + 19। तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, 7 और 19 कितने हो गए, 26। तो हो जाएगा 1 × 10 की पावर -2। ठीक है, 1 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2। क्या मात्रक होता है आपका, मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है आपका अनुगमन वेग का मान आ गया, कितना बी डी बराबर आ गया आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 12वां सवाल भी देखेंगे, बोला गया है कि 1 मिमी व्यास, तो आपको व्यास दे रखा है, व्यास क्या होता है डी, ये दे रखा है 1 mm। और त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से आप त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी DY2। तो आर बराबर हो जाएगा 1/2 mm। तो आर बराबर हो जाएगा 0.5 × 10 की पावर -3, हमने बदल दिया किसमें, मीटर में। ठीक, एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से आप क्षेत्रफल निकालो, क्या हो जाएगा, πr²। तो पाई और आर कितना है, 0.5 × 10 की पावर -3² ये हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि 75 मिनट, यानी कि आपको समय दे रखा है, समय क्या है टी दे रखा है आपको 75 मिनट, ये दे रखे हैं। इसको सेकंड में बदलेंगे तो टी बराबर आ जाएगा 75 × 60, ये आ गया आपका सेकंड। और क्या दे रखा है, कूलाम आवेश, आवेश आपको दे रखा है कितना, आवेश क्यों दे रखा है आपको, 90 कूलाम। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे रखा है, संख्या जो एन है वो दे रखी है आपको 5.8 × 10 की पावर 22, ये दे रखा है। ठीक है, आगे विद्युत धारा, तो आपसे पूछी क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, आई, आई बराबर होता है आपका Q/T। तो आई हो जाएगा, क्यू कितना है 90 और टी कितना है 75 × 60, जैसा अभी निकाला ये 75 × 60 समय, 1 0 से 1 0। तो यहाँ से जो आई आ जाएगी वो आ जाएगी 0.02 एम्पीयर। तो आई का मान आपका ये आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 2019 में पूछा गया है। ठीक है,
खाने वाने में क्या होता है, बी डी, ये हमें निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है, तो आपका फार्मूला होता है आई बराबर होता है एन ई ए बी डी। बी डी निकालना है तो बी डी बराबर हो जाएगा आपका आई बटे एन ई ए। तो यहाँ से जो बी डी आ जाएगा, आई कितना है आपका 0.02, एन कितना है आपका 5.8 और 10 की पावर 22, ये कितना है आपका 1.6, 10 की पावर -19, ए कितना है आपका, ये है आपका अभी हमने निकाला था कितना 0.5 × 10 की पावर और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी बराबर जब इन्हें हल करोगे तो लगोगे आ जाएगा 2.7 और 10 की पावर -, कितना 6, ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। देखो घातों में आंसर हो सकता है, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, इसी तरह का आपका लगेगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।